इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं साधु संत ऐसे अनेक हुए जिन्होंने भौतिक कष्टों पर विजय पाने का जो प्रयास था वो त्याग दिया। तो भौतिक कष्टों पे विजय पाने का प्रयास त्यागने का मतलब क्या, गर्मी लगी तो एयर कंडीशन, सर्दी लगी तो हीटर, ये भौतिक कष्टों पे विजय पाने के प्रयास है। तो पूरा संसार ये सब आविष्कार कर रहा है भौतिक कष्टों पे विजय पाने के लिए, लेकिन हमने कितने भी आविष्कार करे तो क्या भौतिक कष्टों पे विजय पा ली, क्या भौतिक कष्टों ने आना बंद कर दिया? तो इसका मतलब जगत के स्वभाव को हम बदल नहीं पा। तो फिर अभी भी समय लगाकर कि हम ये इन्वेंट कर लें, ये वैक्सीन बना लें, अब सुविधा के लिए ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी, अब ये लाभ के लिए बना लेते हैं शरीर को सुख देने के लिए, तो अगर अभी तक हमने कष्टों को हम रोक नहीं पाए तो फिर अब आगे कैसे रोकेंगे? तो फिर समय क्यों बर्बाद किया जाए? अभी कोई व्यक्ति उसका आविष्कार करने में समय लगाता है, कोई व्यक्ति उसको खरीदने के लिए पैसा कमाने के लिए समय लगाता है। तो इसका मतलब आपने सोचा जब शारीरिक पदार्थ वस्तुएं आपके पास आई तो आपके भौतिक कष्ट खत्म हो जाएंगे, तो भौतिक कष्टों में मानसिक कष्ट भी आते हैं। तो हो सकता है शारीरिक कष्ट रिड्यूस हो गए, लेकिन क्या मानसिक कष्ट रिड्यूस हुए? आपके एयर कंडीशन के चलाने से, आपके कार के चलाने से, आपके मोबाइल लैपटॉप के होने से क्या आपके मानसिक कष्ट कम हुए? हो सकता है बढ़ गए हो, ज्यादा कम ना हुए हो। तो उसी प्रकार से ये भौतिक कष्टों पर विजय पाने का जो प्रयास है ये व्यर्थ का श्रम है, इसको करने से भी कोई सफल नहीं होगा। तो इसीलिए इतिहास में प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने ये प्रयास ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि वो मूर्ख थे, बुद्धू थे, इन लोगों ने दोबारा जन्म ना लेने के प्रयास के ऊपर काम किया, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेने का प्रयास करना चाहता है तो उसको करना क्या चाहिए? तो इसीलिए देवता लोग कह रहे हैं उसे आपके भगवान आपके चरण कमलों की शरणागति ले लेनी चाहिए, तो तभी वो बच सकता है।